बहुत दिनों के बाद कुछ दोस्त मेरे घर में आएंगे और सारे बंगाली हैं और मैं भी बंगाली ही हूँ। तो बंगाली के घर में दावत में क्या क्या बनता है? चिकन, मटन और फिश, जो कि फ्रिज में मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ है। मटन बनाने का बहुत सारा प्रोसीड्योर है, मैंने बहुत बार बहुत कुछ बना चुकी हूँ डिफरेंट वे में। मैं आज सादा सिंपल बनाना चाहती हूँ क्योंकि गर्मी भी थोड़ी बहुत है और बारिश भी हो रहा है। तो मैंने क्या किया, आज दिमाग में एक आइडिया मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना दही को घोल के उसमें सारे मसाले मिलाए जाए। अभी मैं मिला रही हूँ हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, देगी लाल मिर्च, ताकि थोड़ा सा जब बन के तैयार हो ना लाल रंग का वो खिल के निकल आए। अब मैं इसमें जीरा पाउडर भी ऐड करूँगी। आप सारे मसाले अपने स्वाद अनुसार ऐड करिएगा। मैंने यहाँ 1.5 किलो मटन के हिसाब से सारे इंग्रेडिएंट ले रही हूँ। लगभग यहाँ दही है 250 ग्राम के ऊपर, 250 ग्राम और 100 ग्राम मिला के मतलब 350 ग्राम दही मैंने लिया है। अच्छे से इनको फेंट रही हूँ। अब मैं इसमें बहुत सारा सरसों का तेल ऐड करने जा रही हूँ। लगभग आधा कप सरसों का तेल मैंने इसमें ऐड किया। देखते हैं आज ये मटन कैसे बनकर तैयार होगा। ज़्यादातर क्या होता है, मटन के साथ ही हम सारे इंग्रेडिएंट मिलाते हैं। आज मैंने थोड़ा उल्टा किया, सारे मसाले को एक साथ मैरिनेट करने के बाद फिर मैं इसमें मटन को ऐड करूँगी। अब मैंने यहाँ लिया है प्याज का बिरिस्ता, फ्राइड अनियन, इनको भी मैं इसमें मिला देती हूँ। ये मुझे लग रहा है कुछ नया अच्छा बन के ही तैयार होगा। ये वाली मसाला ना आप पनीर वगैरह या आलू, दम आलू, इन सब में भी यूज़ कर सकते हैं। जो वेजिटेरियन दोस्त है वो वेज वर्शन में भी इस ऐसे एक मसाला पेस्ट तैयार करिए तो मुझे लगता है वो बहुत स्वाद लेकर आएगा आपके खाने में। अब मैंने इसमें मिला दिया है रेडी टू कुक जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब मैंने इसमें थोड़ा 1-2 टमाटर काट के ऐड कर रही हूँ और ऐड करूँगी कुछ मिर्च। ये मोटी मोटी मिर्च है जो मैंने कुछ ही दिन पहले ख़रीद के लाई थी बंगाली मार्केट से। और मैं यहाँ ऐड करूँगी 1 प्याज, बस कुटी हुई प्याज मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब सब अच्छे से मिलाने के बाद मटन मैंने धो लिया है, आपने देख लिया था। अब ये मसाला जो मैंने मिलाया बनाया हुआ है, अब मैं इसको मटन के साथ ऐड कर दूंगी और ये मटन मैं मैरिनेशन के लिए रखूंगी 2 से 3 घंटे तक। अगर आप पूरा रात इसको रखेंगे ना, पूरी रात को, तो बहुत अच्छा होगा, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं है तो इसलिए मैं मटन को 3 घंटा कम से कम मैरिनेट करके रखूँगी। अब देखिए बस मटन को मुझे मिक्स करना है इस मसाले के साथ। खाने में स्वाद तब आता है जब आप खुद अपने हाथों से किसी चीज़ को मिक्स करते हो। ग्लव्स वगैरह ये तो लोग पहनते हैं ताकि हाथ ना जले या हाइजीनिक की मतलब हाइजीन मेंटेन करने के लिए, पर नानी दादी के खाने में इतना स्वाद इसलिए आता है कि वो अपने हाथों से बड़े प्यार से हर खाना को वो पकाते हैं। आजकल चंपारण मटन बहुत फेमस हो रहा है, तो मैंने क्या किया, 2 बड़े लहसुन मैंने इसमें ऐड कर दिया धो के साफ़ करके। इससे टेस्ट क्या फ़र्क होता है, कुछ टेस्ट में इतना फ़र्क नहीं आता। सिर्फ आप जब खाओगे ना कोई भी मटन तैयार होने के बाद, तो क्या होता है वो लहसुन बहुत गल जाता है और वो साबुत रहता है। वो आप अगर राइस के साथ, आइए देख लेते हैं वो वाली मटन जिसको मैंने मैरिनेट कर रखा था उसका फाइनल लुक। वाह, ये मैंने प्रेशर में कुक नहीं किया है, फ्लैट बेस एक पैन में ही मैंने कुक किया है। देखिए जितना तेल मैंने उसमें ऐड किया था मैरिनेशन के समय, उसके अलावा मैंने वेजिटेबल ऑयल में बाकी पकाया हुआ था,
मैं बता देती हूँ, मैंने और कुछ भी ऐड नहीं किया था। ऑयल फ्राई किया, गरम किया था तेल को, उसमें मैंने ऑनियन को फ्राई कर दिया था और दो तेज़पत्ता मैंने इसमें ऐड किया था और बाकी जो मैरिनेशन वाले मटन थे मैंने उसमें बहुत अच्छे से भुनाई किया और थोड़ा थोड़ा पानी भी उसमें ऐड कर दिया। अच्छा, मुझे अंडा बहुत पसंद है तो इसलिए मैंने इसमें अंडा मिक्स कर रही हूँ। जो मेरे गेस्ट आएंगे वो शाम को आएंगे। बस आलू भी ऐड किया है क्योंकि बंगाली मटन के साथ आलू खाना बहुत पसंद करते हैं, ये भी खासियत होती है बंगाली बिरयानी और मटन की। टेस्ट आप देख के समझ ही रहे हो कि कितनी अच्छी टेस्ट हुई होगी इसकी। खैर, आपको तो मैं खिला नहीं सकती हूँ अभी, बट काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं मैम आपकी खाना देख के ना मुंह में पानी आ जाता है। सच में वीडियो में मैं इसको बस जितना ही मैं दिखा पा रही हूँ दैट्स इट, बट इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया हुआ है और बिल्कुल तरी जो है आप देख के समझ ही पा रहे हो ये पराठा और चावल दोनों के साथ अच्छा लगेगा। फीडबैक मिलेगी आपको अगली एपिसोड में, ठीक है ना, क्योंकि दोस्त आएंगे शाम को, फिर मैं उनसे फीडबैक लेके आपको बोलूँगी और दिखाऊंगी कि उनको कैसा लगा। तो मिलते हैं अगली एपिसोड में। एंजॉय संडे।